केसरी के इलाके में अगर तुम लोग का थोबड़ा दोबारा दिखा चीर डालूंगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ब्राह्मणी और यूट्यूब चैनल। हाँ, मेरे को पता है कि मैं पीसी वाले की तरह साउंड कर रहा हूँ, बट आज हम बात करने वाले टॉप 5 गेमिंग माउस के बारे में। और गेमिंग माउस जो हम थोड़े से मतलब कि लाइट वेट वगैरह रखने वाले हैं, जो कि अपने वायरलेस भी होंगे इसमें कुछ। तो अगर आप बोलते हो कि ये माउस हमें अच्छी नहीं लगे, हमें इंग्लिश चैनल्स पे दिखाए जाने वाले अच्छे लगते हैं, तो गाइस आप वो बाय नहीं कर सकते। और अगर आपको मिलते हैं तो आप उन्हें ख़रीद सकते हो, मेरी कोई रिकमेंडेड नहीं है। बट जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर अभी आपको इस क्रूशल टाइम में जो है अपने नॉर्मल जो है GPUs नहीं मिल रहे, और आपको स्पेशली ये इस एक्सक्लूसिव एडिशन वगैरह माउस चाहिए, तो दिस इज़ नॉट नॉर्मल चीज़, मतलब ये एक बढ़िया चीज़ नहीं है कि आपको कुछ ही समय के अंदर ये PC वगैरह जो है हार्डवेयर ये महंगा होता जा रहा है, और ये पिछले साल से महंगा होता आ रहा है और अभी भी महंगा ही है। तो इसलिए जो है हम थोड़े से ठीक ठाक से माउस आपको दिखाने वाले हैं, और हम लो एंड से हाई एंड की तरफ जाएंगे। तो जिसका बजट सबसे लो है उसको मैं बोलूँगा भाई मत लो, बजट अपना बढ़ा लो, एटलीस्ट 1500 से 1700 रुपये के आसपास अपना बजट खींच के ले आओ, तब ले लेना। पॉकेट मनी इकट्ठी कर लो। आपको ये रेड गियर का दिख रहा है, ये लेनोवो का दिख रहा है अजीब सा, और ये जो आपको दिख रहे हैं ये HP जो कुछ भी है ये सब, और इन्हें बोलता हूँ मैं मत लो, ये आपके पैसा जो है बर्बाद कर देंगे। ये आपको अजीब से डिज़ाइन के माउस मिल जाएंगे, RGB फंकी शंकी डिसेप्टिकॉन्स काइंड ऑफ टाइप वाले, तो मैं बोलता हूँ इन्हें मत लो। सबसे बढ़िया जो माउस है वो इस रेंज पे है, कॉर्सियर का कतर प्रो, और ये काफ़ी बेटर माउस है, इन सबसे बढ़िया माउस है फिलहाल। इस प्राइस रेंज पे लेना है तो ये लो, वरना मत लो। और ये जो है काफ़ी इन सबसे बढ़िया माउस है। और अगर आप बोलोगे कि ये तो 1700 का इधर दिखा रहा है, तो इसकी जो नॉर्मल प्राइसिंग है डील विल में ये 1200-1500 के आसपास ही आपको आराम से मिल जाएगा। और जहाँ तक की बात है ये इतने का ही मिलता है, और ये कभी कभार इसके प्राइस जो है हाई चले जाते हैं। अगर आपको ये नहीं लेना तो आप इसके जगह पर एक और माउस ले सकते हो, वो मैं आपको दिखाता हूँ, और वो है अपना लॉजिटेक, फेवरेट लॉजिटेक की तरफ से आने वाला लॉजिटेक G102 लाइट सिंक। ये डबल क्लिक इशूज इसके अंदर नहीं है, और ये वीडियो जो है ये इस माउस से मतलब कि वो हुई है, ये माउस हमने खुद से यूज़ किया हुआ, हमने इसे देखा हुआ है चला के, और काफ़ी बढ़िया रहता है इसकी। अभी तक इसके अंदर डबल क्लिक इश्यूज नहीं आए हैं, और इसके जो प्राइसिंग है देख सकते हो आप, इतनी रहती है 1200-1500-1800। मतलब इसका एक वाइट वाला वेरिएंट भी आया था बीच में, वो 1000 पता नहीं 1100 के आसपास था, वो काफ़ी ज़्यादा ये सस्ता मिल रहा था और काफ़ी लोगों ने उठा लिया उसे, और हमें जो है वो नहीं मिल रहा है। और ये आप ले सकते हो कॉर्सेयर का कतर प्रो, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और लाइट वेट माउस है, इतना हैवी नहीं है। और जो आपके ये क्या नाम है लॉजिटेक का G502 जैसे माउस आते हैं, हैवी माउस होते हैं, जिससे कि आपको लगता है कि आप इसे इन्हें वो कर सकते हो। देख सकते हो इसके अंदर 69 ग्राम्स वेट है, 69 ग्राम्स, और इसके अंदर DPI की आपको सारे बटन मिल जाते हैं, जो है अपने स्क्रॉल व्हील एंड उसके जो ऊपर आपको एक बटन मिल जाता है DPI एडजस्टमेंट का, एंड उसके लेफ्ट साइड में आपको मिल जाते हैं अपने फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वाले बटन्स दो, एंड बढ़िया माउस आप देख सकते हैं। और जो मैं अटक रहा हूँ प्लीज़ नोट माइंड, एंड आगे आपको दिखाते हैं और क्या क्या होता है। नाउ अगला जो है वो हम बता रहे हैं G304। नाउ मैं G305 बता रहा था, पर G304 आप देख सकते हो 3300 के आसपास इसकी प्राइसिंग है, वायरलेस माउस है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया माउस है भी। इसके अंदर आप एक डोडोंगल मिल जाता है, आप उसे करेक्ट कैसे चला सकते हो। G305 इससे थोड़ा सा बेटर है, बट ये भी कोई कम नहीं है। ये लाइट वेट माउस है पहली बात, एंड वायरलेस है, जिसे वायर का क्लटर वगैरह पसंद नहीं आता वो ये वायरलेस माउस खरीद सकता है। इसके साथ आपको एक चार्जर के डोंगल मिल जाता है, ये भी काफ़ी बढ़िया माउस है। और इसके अलावा मैं आपको
सजेस्ट करूँगा रेज़र वाइपर का, रेज़र वाइपर मिनी, और ये भी काफ़ी बढ़िया माउस है, ये वायर्ड माउस है नॉट वायरलेस, और इसकी जो प्राइसिंग आप देख सकते हो 3600-700 के आसपास इसकी प्राइसिंग रहती है। और तीन क्या, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया माउस है, जिन्हें ग्रीनरी स्नेक की लुक पसंद आता है और वो ये ले सकते हैं। ये भी लाइट वेट माउस है, ये हैवी माउस नहीं है। इसके अंदर आपको एक तगड़ा सेंसर मिल जाता है, आपको अपनी DPI UPI एडजस्ट के लिए क्विकली बटन मिल जाते हैं इसके अंदर, एंड वाइपर मिनी मेन लाइट जो है आप ये खरीद सकते हो। बढ़ते हैं आगे बजट में, तो आपका जो बजट है वो 4000 पर पहुंच चुका है और आप ये ले सकते हो। ये है अपना आसूस की तरफ से आने वाला 4300 रुपये का माउस है, आसूस आर ओ जी। यह है रोक करेस और इसे आप देख सकते हो अपने इतने ही प्राइस रेंज के अंदर 4200 के आसपास की प्राइसिंग है। एंड ये काफ़ी तगड़ा माउस है और ये लाइट वेट माउस के अंदर आता है और इसके अंदर हनीकॉम शेल अंदर से जो आपको डिज़ाइन मिल जाता है, और इसके अंदर एक सबसे बड़ी एडवांटेज मिल जाती है आपको इस माउस के अंदर, और वो है इसके आप स्विचेस को स्वैप कर सकते हो। हाँ, जैसे आपके कुछ कीबोर्ड्स आते हैं ना जिसके अंदर आप उसके स्विचेस को चेंज कर सकते हो एंड उसके जो की कैप्स निकाल सकते हो आप, और आप उनके अंदर जो स्विचेस होते हैं वो कुछ जो महंगे कीबोर्ड्स होते हैं उनके अंदर आप निकाल के चेंज भी कर सकते हो, और इसके अंदर भी सेम चीज़ है, आप इसके स्विचेस चेंज कर सकते हो। काइंड ऑफ आपको डबल क्लिक इश्यूज आ गए या फिर आपका जो है ये ख़राब हो गए स्विचेस, और माउस के अंदर जो आपके कुछ ही चीज़ें ख़राब होती है जैसे कि आपके या तो चूहा आपकी तार खोतर गया, फिर दूसरी चीज़ आपके स्विचेस ख़राब हो गए, तो आप इसके अंदर चेंज कर सकते हो, अलग अलग फील ले सकते हो। एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट माउस है और काफ़ी ज़्यादा तगड़ा माउस है, और इसी के साथ जो है ये काफ़ी ज़्यादा महंगा भी माउस है नॉर्मल बंदे से, क्योंकि जो 10000 का PC यूज़ कर रहा है वो 4000 का माउस कहाँ से लेगा, और ये काफ़ी ज़्यादा तगड़ा माउस है एंड इसे जो है गेमर्स तगड़े लेवल पे यूज़ करते क्योंकि। और आपको ये एक, मैं आपको एक और नया माउस दिखा रहा हूँ, यह आपका नॉर्मल सा अपना लॉजिटेक G502 हीरो दी लेजेंडरी माउस, और इस माउस की जो बात है वो करनी ही बेकार है क्योंकि हर किसी को पता है कि ये माउस क्या चीज़ है और क्या नहीं। ये माउस हैवी माउस है, कॉम्पिटेटिव CS:GO वैलोरेंट प्लेयर्स के लिए नहीं है, बट हाँ जैसे आप GTA 5 या फिर RDR 2 जैसे गेम्स खेल रहे हो जिनके अंदर आपको कैरेक्टर मूव करना होता है, तो आपको फील लेनी है कि यस मैंने कैरेक्टर मूव किया, मेरे को हाथ से भी फील होना चाहिए, तो ये माउस आपके लिए है। और इसके अंदर आपको जो कुछ भी आपको पहले ही पता है कि क्या कुछ मिलता है, इसके अंदर आपका स्क्रॉल व्हील फ्री भी घूम जाता है, आपको फ्रीली करना है आपका पेज ख़त्म हो जाएगा, इसका स्क्रॉल व्हील नहीं रुकेगा, एंड DPI एडजस्टमेंट स्विचेस एंड स्नाइपर बटन डेडिकेटेडली, एंड इसे कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं भाई वैसे इस माउस के लिए, बट सबको पता है ये लॉजिटेक का G502 हीरो माउस जो है सबसे तगड़ा माउस है, और इसका एक न्यूली तो नहीं कह सकते बट एक इसका वर्जन आता है जिसके अंदर वायरलेस होता है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो देन ये आप माउस भी बाय कर सकते हो अगर आपको CS:GO या फिर ऐसे कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट्स में नहीं खेलना है, एंड ई स्पोर्ट्स वगैरह वालों के लिए ये नहीं है। और हाँ, कोई कोई खेल भी सकता है जिसे हैवी माउस पसंद होते हैं वो हैवी ले सकता है इसे, एंड इसका जो प्राइस रेंज है वो पता ही आपको 4700-200 ऐसे इसका प्राइसिंग रहते हैं, और 5000 के आसपास भी कभी कभी टच हो ही जाता है इसका प्राइस। और देख सकते हो इसके अंदर आपको RGB वगैरह सब कुछ एडजस्टमेंट मिल जाता है एंड सॉफ्टवेयर यूजिंग योर एंड इसके अंदर सॉफ्टवेयर आपको डाल के कुछ भी यूज कर सकते हो, इसके अंदर डेडिकेटेड स्नाइपर बटन एंड ऑल द थिंग्स आपको बटन इसके अंदर मिल जाते हैं। ये इसलिए होता है स्नाइपर बटन, अगर आपको ऐसे करके कोई शॉट्स लेना है तो आप स्नाइपर बटन को जैसे दबाते हो आपकी DPI एकदम लो हो जाती है, मतलब कि आपको ज़्यादा माउस हिलाना पड़ेगा अपने स्नाइपर का जो एम लेने के लिए, देन आपका एकदम क्या कहते हैं उसे स्लाइटली बेटर शॉट जाता है। एंड ये आपका नेक्स्ट माउस मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये आता है अपना इसकी कूलर मास्टर की तरफ से अपना MH7 कुछ ऐसा सा इसका नेम है एंड MH720, और ये भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा
माउस आपको देखने को मिल जाता है, और इसके अंदर जो है आपको नॉर्मल सा डिज़ाइन तो नहीं बट या हनी कॉम डिज़ाइन मिलता है, और ये कुछ स्पेसिफिकली बंदों के लिए जो कि अपने जो है लाइट वेट से लाइट वेट माउस देने चाहिए होते हैं वो ये उनके लिए। और इसके अंदर आपको RGB वगैरह मिल जाती है, एंड ये वाइट कलर के अंदर आता है, तो जिसे ब्यूटी और वाइट कलर का जिसका सेटअप है वो इसे यूज़ इजीली कर सकता है। एंड हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि हम अपने टेबल पे चाय पीते हैं, तो चाय वाय एक बार इसके अंदर घुस गई तो इसका काम तमाम हो जाएगा, तो इसलिए हमारे लिए तो नहीं है। बट जो कोई एकदम कॉम्पिटिटिव लेवल पे खेलता है उनके लिए ये एकदम वरदान साबित हो सकता है। ऐसे ही कुछ बाहर के माउसेस भी आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा तगड़े माउस रहते हैं, ऐसा ही है ये भी। और आप ये भी ले सकते हो रेजर की तरफ से आने वाला अपना माउस, एंड इन सब की जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। रेजर वाइपर अल्टीमेट ऐसा सा इसका नेम है, एंड देख सकते हैं आप इसे काफ़ी ज़्यादा तगड़ा माउस है, और क्या ही कहने इस माउस के, ये बिल्कुल वायरलेस माउस है। इसका जो आप नीचे देख रहे हो ये इसका चार्जर है, एंड चार्जिंग डॉक कह सकते हैं इसे या फिर कुछ भी, इसके अंदर ऐसे लगा के चार्ज होता है, एंड क्या ही कहने इस माउस के, एंड काफ़ी ज़्यादा तगड़ा माउस है। और इसकी प्राइसिंग भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है, 11,000 के आसपास इसकी प्राइसिंग रहती है, 11 to 12,000, एंड फिर भी प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा तगड़ा माउस है। और इसके अंदर जो है आपको मस्त मस्त से RGB वगैरह मिल जाते हैं, आप इसे एकदम कनेक्ट करके इसका जो है मज़े ले सकते हो RGB के। तो जो है घर में धुआं हो रहा थोड़ा होता है, इसलिए मेरी जो है आवाज़ आपको कट कट के आ रही होगी, तो प्लीज़ डोंट माइंड इट। एंड आपको इन्फॉर्मेशन मेरे को देनी थी तो देनी थी। और अगला जो मैं आपको माउस दिखाने वाला हूँ वो भी इससे तगड़ा होने वाला है, और हो सकता है कि, और हाँ गाइस एक इम्पॉर्टेंट बात, कल को जिस जिसको कीबोर्ड की वीडियो चाहिए वो मेरे को बता दो एंड कमेंट सेक्शन के अंदर। गाइस ये हमारा लास्ट माउस था आज की कैटेगरी के अंदर, एंड ये भी काफ़ी तगड़ा माउस है, जिसे भी लेना ये लो वरना मत लो। एंड गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल ब्राह्मण गेमर को, एंड गुड बाय टाटा, सी यू द नेक्स्ट वीडियो।